हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट कुछ लेक्चर से हम लोग सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कमी करा रहा था, टॉपिक पढ़ा रहा था क्वेश्चंस के फॉर्म में, और फिर बस मैं डेटा चेंज करके तुम लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स करा रहा था, ठीक है। अब आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अप्रोच भी समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से देखना। Find the number of integral roots of the equation x x plus 1 x plus 2 x plus 3 is equal to 120, ठीक है। ये बाइक्वाड्रेटिक है, दिख रहा होगा तुमको, पावर 4 की इक्वेशन है, ठीक है ना। हमको इसके रूट्स निकालना है, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से इसमें समझो, देखो तुम इसके इंटीग्रल रूट्स बताने, वैसे तो कितने इंटीग्रल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। तुम ऐसे कैसे बाइक्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, ना मैंने लिखा है, ना तुम लोगों ने पहले पढ़ा है, ठीक है। कुछ लोग जुगाड़ लगाएंगे तो ये कर सकते हैं कि चार, ये 120 को फैक्टराइज करेंगे तो याद है 2 × 3 × 4 × 5, देखो ना 2 × 3 × 4 × 5 = 6, 20, 120 होता है, ठीक है। तुम बोल सकते हो x2 होगा तो x प्लस 1 3 हो जाएगा, x प्लस 2 4 हो जाएगा, x प्लस 3 5 हो जाएगा। तो इससे एक सोल्यूशन तो x इज इक्वल टू 2 मिल गया, ठीक है ना, जुगाड़ से ये पूरा दिख गया मुझे, इसलिए मैंने कर दिया। लेकिन इसके बाद तुम ये नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ यही है, अरे हो सकता है और भी कोई इंटीग्रल सोल्यूशन आ रहा हो, ठीक है ना, जो कि आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो हमको सॉल्व करना बाई क्वाड्रेटिक नहीं आता, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 4 की इक्वेशन मिलेगी, हमको है ना क्वाड्रेटिक को ही सॉल्व करना आता है। तो हमको कुछ भी जुगाड़ लगा के इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो जुगाड़, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 120, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मैं टी मान लेता हूँ, तो ये आएगा टी p प्लस 2 इज इक्वल टू 120, या अगर टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 120 इज इक्वल टू 0। देखो कैसे जुगाड़ लगा के मैंने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। ये सब स्किल्स तुमको डेवलप करने हैं जो देख देख के ही सीखोगे, ठीक है। अरे यार फैक्टराइज गलत किया, क्या आएगा 12, ये आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से दो रूट्स आ जाएगा, एक आएगा टी 10 और एक आएगा टी माइनस 12, ठीक है। होप इतना तो तुम लोग आराम से कर ही सकते हो। अब यहाँ पे अगर टी को 10 लोगे और टी को अगर माइनस 12 लोगे, अरे टी क्या था, यही था ना, हमको टी नहीं निकालना, हमको एक्स निकालना है, यहाँ निकाल के मत छोड़ देना बस, ठीक है ना। ये सब बहुत बेवकूफ़ी वाले काम करते हैं हम लोग, ठीक है, लास्ट स्टेज में आके छोड़ के चले जाते हैं, टी निकाल के छोड़ दिया, अरे गलत ही होगा ना, फैक्टराइज हो रहा है ये। यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, निकाल लेना माइनस 5 और 2, और यहाँ से ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसे नेगेटिव अपॉन 2 है, ठीक है। तो x की कितनी वैल्यू आई, दो वैल्यू आई। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स पूछा था, कितने इंटीग्रल रूट्स आएंगे, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स इज इक्वल टू कितने आए, 1, 2, 2, ठीक है ना, दो इंटीग्रल रूट्स आए हैं इसके, क्लियर है, ठीक है। ये शायद तुम लोगों के समझ में आया हो कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखना बहुत सारे टॉपिक्स मिक्स करके भी क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में लॉग वगैरह पढ़ा था, लॉग के क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चन मिक्स कर सकते हैं। सवाल देखो, फाइंड द, ये सब एडवांस लेवल क्वेश्चंस है, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2a, देख लो जबरदस्ती है ना, इंटीजर टाइप बनाया बस। फाइंड लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2a सच दैट द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, ऑब्वियसली वो e के टर्म्स में होगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी
अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज लेस देन टू। ठीक है, हमको ए की ऐसी वैल्यू निकालनी है सच दैट ये वाली कंडीशन को वो सेटिस्फाई करे। सवाल पढ़ लो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक है जो जो दिया पहले डेटा स्कूल में सिखाया हुआ है, डेटा लिखते थे हम अल्फा बीटा, इसके दो रूट्स हैं, मैं ऐसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए बोल सकता हूँ एंड अल्फा बीटा इज सी बाई ए। यहाँ से तुम अल्फा प्लस बीटा देखोगे तो माइनस थ्री आ रहा है एंड अल्फा बीटा ए बाई टू आ रहा है। हमको इसको टू से छोटा बनाना है, तो मेरे पास ना अल्फा है ना बीटा है, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, तो एक काम करता हूँ मैं एलसीएम लेता हूँ, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा लेस देन टू। क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, मैंने ना बोला था इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये ऊपर वाला निकालना सिखाया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये इसको याद भी कर सकते हो तुम, ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस थ्री का स्क्वायर इज नाइन माइनस टू ए बाई टू अपॉन ए बाई टू इज लेस देन टू। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर ले जाके आएगा एटीन माइनस टू ए अपॉन ए इज लेस देन टू। मैंने ना बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करने, है ना यार, यहाँ पे लीस्ट इंटीग्रल नहीं लीस्ट प्राइम इंटीग्रल कर लेना। ठीक है, प्राइम ही होना चाहिए, मैंने कहीं से देख के लिख रहा हूँ मैं सवाल, तो मिस हो गया था। ठीक है, एलसीएम लिया 18 माइनस टू ए माइनस टू ए अपॉन ए इज लेस देन जीरो, आ गया 18 माइनस फोर ए अपॉन ए इज लेस देन जीरो। तुमको याद होगा हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेके 4a माइनस 18 अपॉन a इज ग्रेटर देन जीरो बना लिया इसको। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स इसका जीरो, इसका 18 बाई 4। प्लॉट करता हूँ, इनइक्वालिटी ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, 18 बाई 4 इज 9 बाई 2, हमको क्या चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ से आ जाएगा a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन 9 बाई 2 से इन्फिनिटी। होप सबको ये क्लियर है। ठीक है, मैंने सब फटाफट बस सॉल्व किया है। ठीक है, मैंने ये यहाँ से लेके ये भी जो भी किया है ये पूरा इनइक्वालिटी सॉल्व किया जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, हमको लीस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ टू ए निकाल लिया, हमने ए निकाल लिया है, ए से देखो मैं टू ए बना रहा हूँ, कैसे टू ए बना रहा हूँ, तो पूरे दोनों साइड टू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी में टू मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, जीरो में करोगे तो जीरो रहेगा, नाइन बाई टू में करोगे तो नाइन बनेगा और इन्फिनिटी में करोगे तो इन्फिनिटी बनेगा। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो टू ए माइनस इन्फिनिटी से जीरो में रहेगा यूनियन नाइन से इन्फिनिटी, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू, इसमें आएगी क्या, नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है, इसमें आएगी क्या, हाँ आएगी, सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू इस इंटरवल में क्या है, नाइन से इन्फिनिटी में, दैट इज इलेवन, तो आंसर इज इलेवन। ठीक है, शायद ये तुमको क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है तो टेंशन मत लेना, मैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तुम लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं दो क्वेश्चन में भी इनइक्वालिटी ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, अपने अभी है ना सारे टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस बचेंगे वो मेरे तुमको लेक्चर बोल रहा शीट में मिल जाएंगे। ठीक है, तुम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे सबके लिए, सारे टाइप के क्वेश्चंस के लिए, बस ध्यान से देख लेना। ये इक्वेशन हैज रूट्स हूज सम एंड प्रोडक्ट बोथ इज लेस देन वन। ठीक है, देखो ये तो यार बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ही लग रहा है मुझे, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो सम है और जो प्रोडक्ट है इसके रूट्स का, इसके दो रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा भी वन से छोटा और अल्फा बीटा भी वन से छोटा है, दोनों रूट्स वन से छोटे, ये हमको पता है क्या होता है माइनस बी बाई, ये हमको पता है सी बाई ए, माइनस बी बाई पुट करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस होके ये बचेगा, ए तो वन है और सी ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा प्लस
फोर इज लेस देन जीरो, लैम्डा माइनस वन लैम्डा माइनस फोर इज लेस देन जीरो, ये इधर आके बन जाएगा टू लैम्डा स्क्वायर माइनस थ्री लैम्डा माइनस फाइव इज लेस देन जीरो, फैक्टराइज हो जाएगा, हो ही जाता है, टू लैम्डा माइनस फाइव लैम्डा प्लस वन, ठीक है। ये दोनों अलग अलग वेरीज कर का क्वेश्चन है, इसका एक रूट वन इसका एक रूट फोर, वन फोर नेगेटिव चाहिए, लैम्डा बिलोंग्स टू एक से लेके चार, फाइव बाई टू एंड माइनस वन नेगेटिव, लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस वन से लेके फाइव बाई टू, ठीक है। अब सवाल ये है कि इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन के इंटरसेक्शन, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तुमको याद होगा मैंने बोला था हर जगह इंटरसेक्शन लेना, बस केसेस बनाओगे तो यूनियन लेना, तो तुमने केसेस बनाया है क्या, नहीं बनाया है, तो ऑब्वियसली तुमको इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। अब जिन लोगों को ये वाली बात नहीं जम रही है, सर ये क्या बकवास है आप बोल रहे हो कि ये मतलब हर जगह इंटरसेक्शन लेना है, कारण बताओ कारण, तो ये रहा सिंपल सा कारण, एंड ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, एंड का मतलब यही होता है, और मैंने बताया था एंड को मैथमेटिक्स में बोलते हैं इंटरसेक्शन, अगर तुमको याद होगा तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा हूँ वन से लेके फोर, ये बोल रहा हूँ माइनस वन से लेके फाइव बाई टू, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, आंसर आएगा लैम्डा बिलोंग्स टू वन से लेके फाइव बाई टू, ठीक है। ओपन ब्रैकेट्स, क्लियर होगा शायद, ठीक है, हो सकता है ये तुमको समझ में आया हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखना ध्यान से, ठीक है। ये भी मैं इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे डिफर बाई एट मोस्ट 2m, ठीक है, देन b lies in the interval, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक दो स्टेप में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी तुम सुनते जाओगे तो तुमको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, जब मैं पढ़ाऊंगा तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तुमको उसी वे में लेना है कि मैंने नहीं पढ़ाया है और मैंने अभी तुरंत सब तुमको एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, समझ गए ना, मैं जो एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे बस तुमको उसको फॉलो करना है आगे भी, मैंने चार ऑप्शंस भी लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चार ऑप्शंस यहाँ पे, इसका नॉन ऑफ दीज आंसर नहीं है, नॉन ऑफ दीज होता तो फिर मेरा एम ही खत्म हो जाता सवाल कराने का। अच्छा तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे बी में कंडीशन निकालनी है कि बी किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ऑब्वियसली वो मतलब ए और एम के टर्म्स में है, ठीक है, तो ए और एम के टर्म्स में ही आएगा। तो सबसे पहला लाइन लिखा है द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए डी ग्रेटर देन जीरो होता है, तो मैं पहले तो डी ग्रेटर देन जीरो कर देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से आ जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस फोर बी इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से आ जाएगा फोर बी इज लेस देन, देख लेना फोर ए स्क्वायर, अरे तुम इसको इधर ले जाना, फोर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर बी आएगा, मुंह किसके साइड है, ए के साइड, तो ए के साइड ही मुंह लगा दिया, फोर फोर कट जाएगा, बी ए स्क्वायर से छोटा है ये आ गया, ठीक है। अगर तुम इसको भी फॉलो करोगे तो एक चीज दिख जाएगा कि आंसर ये नहीं हो सकता है, ये ए स्क्वायर से छोटा है और ये भी ए स्क्वायर से छोटा है ना, ये ए स्क्वायर से बड़ा है, देखो ना ए स्क्वायर सबसे छोटी वैल्यू है इसमें। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड दे डिफर बाय एटमोस्ट टू एम, मतलब रूट्स जो है उनके बीच का डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा कितना है 2m, तो तुमको याद होगा डिफरेंस ऑफ द रूट को ऐसे लिखते थे, डिफरेंस ऑफ द रूट की मैक्सिमम वैल्यू 2m है, इसका मतलब, अरे क्या मतलब होता है, डिफरेंस ऑफ द रूट दे डिफर बाय एटमोस्ट 2m, मतलब डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू 2m है, मतलब वो हमेशा 2m से क्या है छोटा या उसके इक्वल, अरे ज्यादा से ज्यादा 2m, तो इक्वालिटी भी ले सकते हैं, बाकी वो
टू एम या टू एम से छोटा होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की तो अगर तुमको वैल्यू याद होगी तो ये होता है अंडर रूट डी बाई ई इज वन। डी की जगह पुट कर देता हूँ, डी तो अभी निकाला ही था, यही आ रहा है, फोर ए स्क्वायर माइनस फोर भी आएगा, निकाल लेना, लेस देन इक्वल टू टू एम। देखो एक चीज तुम लोगों मैंने ना बोला था, ठीक है, यहाँ पे लेकिन कर रहा हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तुम लोग बोलोगे सर आपने ना बोला था कि स्क्वेयरिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, उसका कारण भी मैं बता देता हूँ अगर तुमको याद नहीं है तो। अभी फिर से बोल रहा हूँ स्क्वेयरिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे देखो क्यों नहीं कर सकते हैं, सुनना ध्यान से, स्क्वेयरिंग क्यों नहीं कर सकते हैं, माइनस थ्री इज लेस देन टू है ना, माइनस थ्री टू से छोटा है, स्क्वेयर कर लो, नाइन इज लेस देन फोर, गलत आ गया। ठीक है, वी कैन नॉट स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स इन एन इनइक्वालिटी। ठीक है, यही बताया था मैंने, अब मैं इसे मुकर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वेयरिंग करने बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन देखो एक बार तुम स्क्वेयरिंग कर सकते हो एक जगह पे, मान लो थ्री टू से बड़ा है ना, थ्री टू से बड़ा, स्क्वेयरिंग करोगे तो नाइन फोर से बड़ा है, सही आएगा। ठीक है, बट वी कैन स्क्वेयर, कैन स्क्वेयर बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ एन इनइक्वालिटी इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। यहां पे बोथ साइड्स पॉजिटिव है, तुम खुद सोचना कैसे। ठीक है, अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव और ये बड़ा है, ऐसे करके सोचना, स्क्वेयरिंग कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, बाकी मैं आगे समझा ही दूंगा, वो ऐसे ये 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 कट जाएगा, बी को इधर लिया, एम स्क्वायर को इधर लिया, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज यहां से आ रहा है, बी जो है वो ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से बड़ा है और ए स्क्वायर से छोटा है, तो इक्वालिटी भी है, ये भी ए स्क्वायर एम स्क्वायर से बड़ा है, ये भी ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से बड़ा है, पर इक्वालिटी यहाँ पे है, इसलिए इसका आंसर बी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये दो सवाल भी क्लियर होंगे तुमको, नहीं भी हो रहे हैं, नहीं भी तुमसे पहले बने तो अब तुमको समझ में आना चाहिए जो मैंने करवाया है, तभी तुम मेरी शीट के क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है ना, अपने को इस लेवल के भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब देखो एक सवाल करा रहा हूँ, शायद तुम लोगों को याद आ जाए कंसेप्ट। ठीक है, इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल, फाइंड द रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस नाइन ऑन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यहाँ प्लस कर लो, यहाँ माइनस नाइन कर लो। ठीक है, देख लेना ध्यान से, इसको करने के याद होगा तो दो मेथड्स बताए थे, मेथड वन क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस नाइन, ये इधर है एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन, जो जो कॉमन आ रहा है मैं कॉमन ले रहा हूँ, माइनस टू एक्स वाई माइनस वन माइनस नाइन वाई प्लस वन, शायद हाँ सही है। ठीक है, इसका मैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करता था। ठीक है, पर इसमें डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करने से पहले ऑब्वियसली दो केस बनाना पड़ता है, एक केस, केस वन जब वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और केस टू then y minus 1 is not equal to 0. जब ये 0 होगा तो हम y1 होगा, तो हम याद होगा तुमको चेक करते थे कि क्या y1 हो सकता है। ठीक है ना, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनस नाइन इज इक्वल टू नाइन, ये नहीं हो सकता है, इसमें हम क्या करते थे d greater than equal to 0, तो b square minus 4ac ग्रेटर एन इक्वल टू जीरो, ये भी याद होना चाहिए तुमको अच्छे से। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, फोर वाई माइनस वन कॉमन आ जाएगा, देख लेना, बचेगा वाई माइनस वन प्लस नाइन वाई प्लस वन, फोर वाई माइनस वन ये आ जाएगा टेन वाई प्लस एट ग्रेटर एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब तुम अगर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने जाओगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा वन, इसका आएगा माइनस फोर बाई फाइव, अभी भी स्क्वायर बना रहा हूँ, माइनस फोर बाई फाइव से वन, पॉजिटिव पॉजिटिव
आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस फोर बाय फाइव क्लोज्ड, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वालिटी है और वन से लेके इन्फिनिटी, वन पे भी ओपन क्लोज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि वन नहीं हो सकता है, तो वन पे ओपन बनाएंगे, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। शायद तुमको ये याद होगा जो मैंने लास्ट क्लास में कराया है, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ सबको कि यही फॉलो करो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम सही तरीका है ये क्वेश्चंस करने का, ठीक है ना। तो तुम लोग इसको फॉलो करो, एकदम सही रहता है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन देता हूँ इस बार फिर से, सॉरी देखना ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स represents the expression, पूरा देखो सवाल भी लिख दे रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। जो भी मैं भी करने वाला हूँ वो सब क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो कॉमा बी इज लेस देन जीरो एंड सी इज लेस देन जीरो, ठीक है। मैं चार ग्राफ बना रहा हूँ, तुमको बताना है चारों में से कौन सा ग्राफ में ए ग्रेटर देन जीरो है, बी ग्रेटर देन बी लेस देन जीरो है, सी भी लेस देन जीरो है। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ थोड़ा सा नीचे बना दो, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका ए ग्रेटर देन जीरो है, इसका भी ए ग्रेटर देन जीरो, इसका भी ए ग्रेटर देन जीरो, इसका ए लेस देन जीरो, दिख रहा है ना क्यों, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट सी होता है, इसका सी पॉजिटिव है, ये नीचे है सी नेगेटिव है, ऊपर है सी पॉजिटिव है, नीचे है सी नेगेटिव है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला तो पहले ही हट गया है, ठीक है, सी नेगेटिव आना चाहिए था, तो ये वाला भी हट गया है, ठीक है, ये वाला भी हट गया है, तो आंसर तो सेकंड ही बचा है ना, तो सेकंड इज द आंसर, ये तो क्लियर है। लेकिन क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो मैं बी भी चेक कर देता हूँ, इसका माइनस बी बाई टू है ये, इसका माइनस बी बाई टू है, पॉजिटिव है, देखो ना इधर है ना, नीचे वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, जैसे ही माइनस साइन लोगे तो नेगेटिव आ गए, तो बी इस केस के लिए नेगेटिव है, ठीक है। इस केस के लिए भी देखोगे तो सेम ही है सब कुछ, इसमें भी बी नेगेटिव आएगा, इस केस के लिए भी देखोगे तो बी नेगेटिव आएगा, ये देख के बता देता हूँ, ये माइनस बी बाई टू है, इसका पॉजिटिव है, इधर है ना, ये नेगेटिव है, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव है, तो ऊपर वाले को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, तो माइनस बी इज लेस देन जीरो, तो बी इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आया, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। शायद इसको हैंडल कर सकते हैं अपने, ऐसा बहुत हार्ड सवाल तो नहीं था, ठीक है ना। थोड़ा सा ये सब ध्यान से देखते जाओ, ये सब तुम अगर देख लोगे ध्यान से, क्लियर हो जाएगा तो कन्फर्म बोलता हूँ कि आगे पूरे के पूरे चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ईजी लगेगा अगर तुमको ये सारी चीजें, ग्राफ देखना और बाकी सारी चीज़ें जो भी मैं बोल रहा हूँ अगर समझ में आ गया तो, ठीक है ना। तो एक सवाल देख लो, इफ y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना, ये फॉर ऑल होता है, इसका मतलब फॉर ऑल होता है, अगर मैंने नहीं बताया है तो लिख लो, शायद बताया है, ठीक है, समरी में लिख लेना पार्ट मार्जिन में, for all x belongs to real then its maximum value is equal to this and minimum value is equal to this, ये तुमको निकालना है, filling the blanks है, ठीक है। तो उसकी maximum value और उसकी minimum value निकालनी है, मैं इसका answer लिख देता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग video pause करो, खुद से करो, ये 13.5 और यह है माइनस 1.5, ठीक है।
मैं ये नहीं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं क्यों नहीं करके दिखा रहा हूँ, हमको ये जो फंक्शन है इसमें तुम सब कुछ तो निकाल ही लोगे, इसका सब कुछ निकाल लोगे। अच्छा सॉरी, मिनिमम वैल्यू नहीं, इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ रहे हैं एंड इट अकर्स एट पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कहाँ पे अकर होता है, मतलब तुम सुनो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ये क्वाड्रेटिक है, ये पैराबोला बनेगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड ऑनवर्ड कुछ तो भी बनेगा, मैंने रैंडम बना दिया, मेरे को रूट्स के बारे में नहीं पता है, ठीक है ना, मैंने कुछ भी बना दिया है। अब ये हो गया वर्टेक्स इसका, माइनस बी बाई टू कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, तो मैंने तुम लोगों को बताया था, ये मैं पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, ये तुम लोग कर सकते हो, मैंने कल का पूरा लेक्चर इसी को दिया है, मैंने तुमको बोला था दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी। तो अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे ऑब्वियसली क्या निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई फोर ए, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज माइनस डी बाई फोर ए, और पूछ रहा है एंड इट अकर्स एट, मतलब एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए अकर हो रहा है, तो एक्स की माइनस डी बाई टू ए वाली वैल्यू के लिए अकर हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए आएगा, तो तुम इस क्वाड्रेटिक का माइनस डी बाई फोर ए निकाल के यहाँ डाल दो और माइनस बी बाई टू ए निकाल के यहाँ डाल दो, तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। हमारा मकसद सिर्फ आंसर मैच कराना नहीं है, हमारा मकसद ये सीखना है, ठीक है ना। तो अब हम एक काम कर रहे हैं, आज का लेक्चर कंक्लूड करने के लिए मैं दो मैच द कॉलम करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना दोनों मैच द कॉलम, तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉलम वन में मैं कुछ एंट्रीज लिखूंगा, कॉलम टू में मैं कुछ एंट्रीज लिखूंगा, तुमको मैच करना है, ठीक है। तो इधर कॉलम वन है, इधर कॉलम टू है, ठीक है, कॉलम वन में ई है, बी है, सी है और डी है, ठीक है, और कॉलम टू में ई है, क्यू है, आर है और एस है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या है, ये ए में लिखा है ए बी सी अपॉन डी इज ग्रेटर देन जीरो, इसमें लिखा है ए बी सी अपॉन डी इज लेस देन जीरो, इसमें लिखा है एबीसी इज ग्रेटर देन जीरो, और इसमें लिखा है एबीसी इज लेस देन जीरो, ठीक है। सब में ग्राफ बना है, इसमें ये वाला ग्राफ बना है, इसमें कुछ ऐसा बना है, इसमें कुछ ऐसा बना है, ठीक है, ये चार ग्राफ्स बन के हैं। जब तक तुम इसके बारे में सोच रहे हो तब तक मैं एक और मैच द कॉलम लिख देता हूँ, तुम ये सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा वीडियो का, दोनों काम भी हो जाएगा, और तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना भी स्टार्ट करो। इसमें भी ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें पी क्यू आर एस, ठीक है, तो ए में क्या लिखा है, qx is greater than for all x belongs to 2 से 7, ठीक है, भी क्या है क्या नहीं है वो तो लास्ट में ही देखेंगे। qx is greater than 0 for all x belongs to minus infinity से 1, ठीक है, c में लिखा है qx is less than 0 for all x belongs to 1 से 6, और d में लिखा है qx is less than 0 for all x belongs to minus infinity से minus 1। ये पता है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, अच्छे से बनाना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से बनाना, ठीक है, 1 है, 6 है, 7 है यहाँ पे, और इसमें ये पूरा ऐसे है 1 और 7, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है बस, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ए बी सी वाई डी निकालना कुछ नहीं सिखाया मैंने ए बी सी डी सब अलग अलग सिखाया, तो एक चीज समझ में आ रही है ना तुमको, पहले कॉलम टू के लिए पूरे के पूरे क्वेश्चन के लिए ए बी सी डी मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ए सी डी, बी तो निकालने में टाइम लगता है, याद होगा तो ए सी डी, ए ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो,
ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, सी लेस देन जीरो, दो रूट्स बी ग्रेटर देन जीरो, दो रूट्स डी ग्रेटर देन जीरो, एक भी रूट नहीं, डी लेस देन जीरो, एक भी रूट नहीं, एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, लेस देन जीरो। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो माइनस बी बाई टू इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, ये माइनस बी बाई टू वाला पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस के इधर है तो पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, तो ऊपर वाले को भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, तो बी को भी क्या होना पड़ेगा नेगेटिव। इसमें भी ये देखोगे तो माइनस बी बाई टू इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे देखोगे तो ये नेगेटिव है, तो ऊपर वाले को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ना पूरा का पूरा, अरे सॉरी, नीचे वाला क्या है नेगेटिव, ये नेगेटिव है, तो ऊपर वाले को भी क्या होना पड़ेगा नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो पाएगा पॉजिटिव, तो माइनस बी इज लेस देन जीरो, यहाँ से बी ग्रेटर देन जीरो आ गया, ये माइनस बी बाई टू इसका फिर से पॉजिटिव, इसको सेम तरीके से सॉल्व करना तो इधर भी सेम ही आंसर आएगा बी लेस देन जीरो, और इसके लिए भी सेम ही आएगा, माइनस बी बाई टू यहाँ पे पॉजिटिव है ए नेगेटिव है, तो सेम ही आंसर आएगा बी ग्रेटर देन जीरो, इसका इसका सेम और इसका इसका बी सेम, ठीक है ये क्लियर। अब तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर ए बी सी निकालोगे तो ए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, तो डी में आएगा पी, एक सेकेंड दूसरे कलर की पेन से लिखता हूँ, डी में आएगा पी, ठीक है, इसका ए बी सी निकालोगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अरे ए बी सी पूछा है ना पॉजिटिव 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 इज पॉजिटिव, तो इसमें क्यू आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसमें आर आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो इसमें ऐसा आएगा, ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो ए बी सी बाई डी निकालता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज फिर से नेगेटिव, तो इसमें पी आएगा, ठीक है। फिर से देखो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव इज नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज फिर से नेगेटिव, क्यू आएगा, देखते हैं फिर से, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला मार्क कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज फिर से नेगेटिव। तो ये तुमको शायद समझ में आया हो, नहीं आया है खुद से करिए, एडवांस का बहुत अच्छा सवाल कराया है, ठीक है, खुद से बनना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्यू एक्स क्या है, तो क्यू एक्स क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्यू एक्स पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव मतलब कौन सा होता है ऊपर वाला, और नेगेटिव कौन सा होता है नीचे वाला, एक्स एक्सिस के नीचे इज पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के नीचे इज नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर इज पॉजिटिव, शायद यही बोला था मैंने। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्यू पॉजिटिव है जब एक्स दो से सात के बीच में, तो दो से सात के बीच में सिर्फ पॉजिटिव है क्या, नहीं, दो से सात के बीच में देखो नेगेटिव भी है फिर पॉजिटिव भी है, यहाँ पे दो से सात देखोगे तो पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, यहाँ पे दो से सात देखोगे तो फिर से नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, यहाँ से दो से सात देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है, तो ए में आंसर आएगा एस का। अच्छा ये बोल रहे हैं क्यू पॉजिटिव है जब माइनस इन्फिनिटी से वन है, तो माइनस इन्फिनिटी से वन में सिर्फ पॉजिटिव है क्या, हाँ ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो पी आ गया, माइनस इन्फिनिटी से वन में सिर्फ नीचे है मतलब सिर्फ नेगेटिव है तो क्यू नहीं आएगा, माइनस इन्फिनिटी से वन में पॉजिटिव है और नीचे भी गया देखो नेगेटिव भी है तो आर नहीं आएगा, और माइनस इन्फिनिटी से वन में देखो ग्राफ सिर्फ ऊपर है तो इसमें भी एस आएगा, ठीक है देखते जाओ। यहाँ पे क्यू बोल रहे हैं नेगेटिव वन से सिक्स के बीच में, तो वन से सिक्स, सिक्स पता नहीं कहाँ पे आएगा लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो ये नहीं लिखेंगे, वन से सिक्स पता नहीं कहाँ आएगा, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो ये भी नहीं आएगा, वन से सिक्स में देखो ये वन से सिक्स में ग्राफ सिर्फ नीचे है, सिर्फ एक्स एक्सिस के नीचे है तो इधर आंसर आएगा आर, और वन से सिक्स में ग्राफ देखोगे तो सिर्फ ऊपर है पर यहाँ पे हमको नेगेटिव पूछा है ये सिर्फ पॉजिटिव है तो ये भी नहीं आएगा, समझ रहा होगा शायद, ठीक है खुद से सोचना। यहाँ पे बोल रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में ये तो पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में हाँ ये पूरा का पूरा देखो नेगेटिव है तो क्यू आ गया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है,
और माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में ये भी पॉजिटिव है, तो दिस इज द आंसर एस पी एस आर क्यू। ठीक है, होप आज का लेक्चर में सबको समझ में आया होगा। ठीक है, ये एडवांस लेवल क्वेश्चंस कराए थे मैंने सारे के सारे। ठीक है, कल के लेक्चर में और कराऊंगा, आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।